हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास काफी सारे रिक्वेस्ट आए थे सर कि एक बार वापस से अपने डे इन माय लाइफ वाला व्लॉग टाइप का कुछ आप रेडी क्रिएट कीजिए, कि जैसे आपने जब आप राजस्थान गए थे, आप जैसलमेर गया था, तो वहाँ मैंने एक ब्लॉग अपना अपडेट किया था जिसमें मैं राजस्थान में एक अपने ब्लड सेंटर के ऑडिट पर गया था। तो लोगों ने मुझसे, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर दोबारा से कभी ऐसा एक कोई ब्लॉग बनाइए जिसमें आप दिखाएं कि आप किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे क्या रहता है पूरा। तो आज मैं एक वापस से एक डे इन माई लाइफ टाइप का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आज का दिन है, दिन से क्या लेना देना है। मैं आज भी एक अपने ऑफिशियल काम से निकला हूँ, एक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें करनी है। और कहाँ है वो इन्वेस्टिगेशन, वो आपको वीडियो में पता रहते लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं एक्सप्रेसवे पर हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि गाजियाबाद से कहाँ कहाँ तक एक्सप्रेसवे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्रेसवे दिखाऊंगा, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये कौन सा एक्सप्रेसवे है। जो इस एक्सप्रेसवे पे अगर जाते हैं तो शायद एक्सप्रेसवे देखकर वो पहचान जाएंगे। मैं इस एक्सप्रेसवे के बाद एक नया एक्सप्रेसवे कनेक्ट करूंगा। तो वीडियो में रहते रहते काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर करने को मिलेंगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, मैं आपको एक ब्रीफ सा मोटा मोटा शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली किसी हमारे ऑफिस के एक इंस्पेक्टर हैं जो अभी साउथ जोन में, बेंगलोर साउथ जोन में पोस्टेड है, उन्होंने वो एक सैंपल को उठाया था, दैट इज़ अ इम्पोर्टेड काइंड ऑफ मेडिसिन। वो किसी कंपनी का है जो इम्पोर्टेड है, और उन्होंने वो सैंपल उठाया था और उनको टेस्टिंग के लिए भेजा। जो सैंपल हम उठाते हैं वो फॉर्म 17 में उठाते हैं, और 17 में उठाने के बाद उसको जब हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो फॉर्म 18 में भेजा जाता है आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में, चाहे वो आपकी रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी हो या आपकी CDL हो। तो वहाँ पर टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। टेस्टिंग में भेजने के बाद ये पाया गया कि वो सैंपल कुछ पैरामीटर्स में फेल निकला। दैट सैंपल इज़ अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, और अगर सैंपल आपका जो हम पिक करते हैं वो अगर इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है तो उसकी टेस्टिंग इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से होती है, और अगर कोई सैंपल अगर आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफिशियल है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से टेस्टिंग होती है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल आप पिक करते हैं मार्केट से, जो भी इंस्पेक्टर जिस भी सैंपल को पिक करता है, तो वो जिस फार्माकोपिया में ऑफिशियल होता है उसको उसी फार्माकोपिया के ऑफिशियल मेथड के हिसाब से टेस्ट किया जाता है बाय द कंसर्न्ड लेबोरेटरी जहाँ आपने वो सैंपल भेजा है। तो स्टेट वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं वो अपनी स्टेट की जो लेबोरेटरी होती है वहाँ सैंपल भेजा करते हैं, और उसके बाद अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्टर रहता है तो वो सैंपल टेस्ट करने के लिए उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। या तो वो रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में सैंपल भेज सकता है, जो हमारे सेंट्रल ड्रग गवर्नमेंट की जो रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ सैंपल नॉर्थ जोन वाले भेजा करते हैं इंस्पेक्टर, वो भेजते हैं हम RDTL चंडीगढ़ में। तो अकॉर्डिंगली हर इस एरिया स्पेसिफिक, जोन स्पेसिफिक रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है ड्रग्स टेस्टिंग के लिए, जिसे हम सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहते हैं, वो हमारी कलकत्ता में है, दैट इज द एपिलेट लेबोरेटरी। एपिलेट लेबोरेटरी का क्या मतलब होता है, किसी इंस्पेक्टर ने कोई सैंपल उठाया और वो उसने मान लीजिए RDTL में भेजा रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में, और वहाँ वो सैंपल की टेस्टिंग के हिसाब से वो सैंपल फेल निकलता है। वो सैंपल फेल होता है, और फेल होने के बाद वो हमें रिपोर्ट, हमें फॉर्म 13 में मिलती है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम वो रिपोर्ट अपने जिस सैंपल जिस मैन्युफैक्चरर को बिलोंग करता है, हम रिपोर्ट का एक पार्ट उसको भेजते हैं कि ये हमने आपका सैंपल उठाया था, ये आपकी रिपोर्ट है, इसमें ये सैंपल फेल है, आप इस रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर रिपोर्ट को चैलेंज करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर क्या होता है कि जो हमने सैंपल 4 पोर्शन में लिया होता है, अगर हम रिटेलर से सैंपल या होलसेलर से सैंपल उठाते हैं तो सैंपल के 4 इक्वल पोर्शन हम उठाते हैं, ठीक है ना, एक जिसमें से 3 हमारे पास रहते हैं और एक हम उसको ही दे आते हैं जो उसके पास रह जाता है जिससे हमने वो सैंपल उठाया है। अगर यही सेम सैंपल हम किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से उठाते हैं तो हमको 3 ही सैंपल उठाने होते हैं, 3 पोर्शन उठाने होते हैं बराबर मात्रा में। तो एक हम मैन्युफैक्चरर को दे आते हैं, 2 हमारे पास रहते हैं, जो 2 हमारे पास रहते हैं उनमें से एक हम टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं RDTL, एक हमारे पास रखा रहता है। वो जो रखा रहता है हमारे पास वो हमारा चैलेंज पार्ट के लिए होता है, चैलेंज के लिए, जब अपने आपका सैंपल फेल हो गया RDTL से और उसने हमें बताया, लैब से हमें पता लगा और हमने उसको बताते हैं कि आपका सैंपल फला ये फेल हो गया है, डू यू वॉन्ट टू चैलेंज इट। तो अगर वो इसको चैलेंज करता है, इफ ही वॉन्ट टू चैलेंज, देन द कोर्ट विल डायरेक्ट अस की सेंड दिस सैंपल टू सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी विच इज द एपिलेट लेबोरेटरी। तो अभी ये बात हमारी चल रही थी एपिलेट लेबोरेटरी के ऊपर, की एपिलेट लेबोरेटरी क्या होती है।
तो उसके बाद हम जब सैंपल एपिलेटर लेबोरेटरी में भेजते हैं तो वो सैंपल हम कलकत्ता भेजते हैं, कलकत्ता सैंपल भेजा जाता है, कलकत्ता से जो रिपोर्ट आती है दैट इज द फाइनल रिपोर्ट, और वो जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर उस मैन्युफैक्चरर का, समझ रहे हैं आप, उसका उसकी स्थिति निर्धारण होती है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट में उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर वहां भी सैंपल फेल आता है तो जो लॉ में उसके लिए सजा दी गई है, पेनल्टी दी गई है, तो वो सजा उसको कोर्ट ऑफ लॉ से दी जाती है अगर इंस्पेक्टर ने सारी प्रोसीजर्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं और उसमें कोई गलती नहीं की है। बिकॉज अगर आपने सैंपल का नेचर ऐसा है कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव आपका मॉलिक्यूल था और आपने उसका थ्रू आउट आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज आपने उसका ये सब मेंटेन नहीं किया तो आप कोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बैकफ्लैश कर जाती हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी होती है ड्यूरिंग द सैम्पलिंग, ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आपने प्रोसीजर आपने सब अच्छे से फॉलो किए हैं और आपने कोर्ट में सारी चीज़ों का प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ फाइल किया है तो हाँ आपको कोर्ट में आपको इसकी जीत भी हासिल होती है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो मैं आज इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, वो एक इंस्पेक्टर ने सैंपल कभी उठाया होगा तो हमारी जैसे जैसे ट्रांसफ़र होती है तो उसके कोर्ट केसेस हम ही को मिल जाते हैं। और अभी क्या है, ये एक इन्वेस्टिगेशन रेफर किया है क्योंकि वो सैंपल सब जोन का है जिसने कभी उठाया होगा और वो जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है जो वहाँ उसके सप्लायर ने खरीदी थी जहाँ वो रिसाइड करता है तो वहाँ हमको उसको ट्रेस आउट करने जाना है। तो जो उसकी फैक्ट्री का एड्रेस था वहाँ वो मिला नहीं था। अब हमने उसकी जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन जिस इंस्पेक्टर ने किया था उस रिपोर्ट के हिसाब से उसका आधार कार्ड हमें मिला था, आधार कार्ड में उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है। तो अब रेसिडेंशियल एड्रेस पर हम उसकी इंक्वायरी करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन वो हमें प्रोवाइड कर दे। तो हम उसको वो सारे इंक्लोजर्स प्रोवाइड करेंगे कि हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर वहाँ कोई हमें नहीं मिलता है तो हम उनको इन्फॉर्म करके आएंगे जो भी बहरहाल वहाँ मिलने वाला है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इस तरीके का रहता है। शायद काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ सुबह निकल चुके हैं हम। मैं करीब सुबह निकला हूँ 5 बजे, तो देखिए मैं 11:30-12 बजे तक करीब पहुँचूँगा। जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा, तो बने रहें वीडियो में। ऐसी ही ज्ञान भरी बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। खैर काफ़ी बोरिंग लगता है मुझे ये सब, लेकिन स्टिल दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड लॉट ऑफ यू आर बीइंग एसोसिएटेड विद मी जस्ट टू गेन सम नॉलेज एंड आई रियली लाइक दैट माई फैमिली ऑन माई यूट्यूब is really concerned about, they want to learn and they want to improve themselves and इसी वीडियो के साथ साथ चलते चलते लगेगा तो हम काफ़ी सारे बातें भी शेयर कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में साथ, करते हैं हम और बात, मैं आपको बताऊंगा। ये वो एक्सप्रेस वे है जहां आपको गैस करना है कि मैं कहां जा रहा हूं। फोन में बहरहाल मैप भी लगा हुआ है, तो हम चलते चलते काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं और कमेंट्स में आपको बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपसे आपके साथ शेयर किया ये सैम्पलिंग का पार्ट, एक ड्रग्स इंस्पेक्टर किस तरीके से सैंपल लिया करता है और कैसे क्या चीज़ें होती हैं और किस हिसाब से उसकी टेस्टिंग होती है, कैसे कैसे लैब्स होती हैं, कहाँ भेजा जाता है सैंपल, ये सारी बेसिक बातें मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो इसी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो देखने वाले हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप कोई सैंपल आप उठाते हैं तो जब आपने सैंपल आपने उठाया, अभी ये जो पार्ट है हमारा अभी कोर्ट तक नहीं गया है, मैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। तो जो हमने सैंपल उठाया अगर वो फेल हो गया, फेल होने के बाद हमें ट्रेस आउट करना होता है कि ये सैंपल एक्चुअल में किसको बिलोंग करता है, हमें मैन्युफैक्चरर तक कनेक्ट करना होता है। तो वो सैंपल जिस बंदे ने वहाँ से ख़रीदा है, मतलब जिसने सैंपल उठाया है बेंगलोर से, अब उसने जिससे लिया, हम जहाँ जा रहे हैं इसने वहाँ से लिया है, अब इससे हम पूछने वाले हैं कि भैया तूने कहाँ से लिया है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि ये कहाँ से, अब जैसे मैंने शेयर किया आपसे इम्पोर्टेड मेडिसिन है तो इसका एक्चुअल में इम्पोर्टर कौन है। तो जो बंदा है जहाँ हम जा रहे हैं अगर उसने वो दवाई एक्चुअल में इम्पोर्टर से ही खरीदी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है, वो इम्पोर्टर होने वाला है। तो हम जब कोर्ट में केस करेंगे और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो ये सैंपल फेल हुआ है वो सेम सैंपल है जो इम्पोर्टर ने इम्पोर्ट किया है, दैट importer have to accept that ki the sample which is failed by the laboratory is actually belong to us, that is not any fake medicine or something. If that importer denies that this sample does not pertain to us, we have not imported such batch number in India and it's being traced out ki that sample is not belong to him, then it's clearly indicative that sample is
कुरियस. ओके, इन सच केस द लास्ट पर्सन जिसकी आइडेंटिटी उससे कनेक्ट होती है सैंपल से, लाइक इफ दैट इम्पोर्टर डिनाइज कि ये मेरा सैंपल नहीं है, और जिस जहाँ हम जा रहे हैं ये उस बंदे तक लास्ट कनेक्ट करता है कि ये इसी बंदे ने ही लिया है कहीं से, और अगर वो फर्दर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता तो वो एक बंदा होगा जिस जो एक मेन पार्टी बनेगा, एक्यूज्ड जो बनेगा, हम उसको हम मेन पार्टी बनाने वाले हैं कोर्ट के अंदर, ऐसे होता है. तो अगर ये ऑफिशियल मेडिसिन रही जो इम्पोर्टर ने मंगाई है तो फिर इम्पोर्टर लास्ट पार्टी बनेगा, तो हम इम्पोर्टर के नाम से ये केस लॉन्च करने वाले होते हैं. तो अभी ये प्रिपरेटरी फेज में है, हमें चेन एस्टैब्लिश करनी होती है फॉर द हैव अ टी ब्रेक. शट अप, आई डोंट वांट एनी टी ब्रेक. तो जब भी कोई कोर्ट में केस किया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा चेन एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट है दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट. तो ये एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी होती है. तो अभी बस इस चेन एस्टैब्लिशमेंट के पार्ट को ही अंजाम देने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम जाने वाले हैं, ठीक है ना. तो बने रहिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये हाईवे कौन सा है. अब तो काफ़ी सारा रोड दिखा दिया मैंने आपको, अच्छा सा व्यू. देखिए मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, और शायद काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि बड़ा अच्छा है यार, नौकरी बड़ी मस्त है, कि ऐसे जाओ आराम से गाड़ी से और मस्त इन्वेस्टिगेशन करके आओ. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कुछ पे नहीं करती है कि आप इतने आराम से जा सकते हो. आपको गवर्नमेंट बेशक आराम देगी, आपको आप सेकेंड एसी, आपको ट्रेन के लिए एंटाइटलमेंट है, आप एसी ट्रेन से आप बेशक आप जा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट उसके लिए पे करती है. आप अपने टिकट्स एडवांस में बुक करिए और अपने TADA फाइल कीजिए प्रॉपरली, और आपको वो गवर्नमेंट सेकंड एसी के हिसाब से पे करेगी, और आप जहां उतरते हैं उसके बाद आप वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट आप जो भी लेते हैं वहां पर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा. मुझे नहीं पता टैक्सी के लिए देती है नहीं देती है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, आइदर लाइक मेट्रो बस समथिंग लाइक दैट. आपको उसके हिसाब से जो आपके टिकट्स होंगे वो सारे आपको देने पड़ते हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ. मेरी वाइफ मुझे अलाउ नहीं करती है कि तुम इतना पेन लो, वो मुझे सीधा बोलती है आप गाड़ी से जाइए, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस TADA काइंड ऑफ थिंग. आपको अप्लाई कर देना है, आप अप्लाई कर देना, अगर आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पे कर देती है तो वेल एंड गुड, नहीं पे करती है तो इट्स ऑल फाइन. तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ वाइफ जो मेरी इतना केयर करती है और मुझे ऐसे ट्रबल्स में नहीं देख सकती. तो ये नौकरी भी शायद मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी ऐसे का हाथ है कि मुझे सारी चीज़ों की प्रॉब्लम फेस नहीं होती है. अगर लिटरली मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स की, इस तरीके से चैलेंजेस मुझे अगर फेस करने पड़ते तो आई गेस मैं इस जॉब को मैं शायद नहीं कर पाता. और हाँ, अच्छी चीज़ है बाकी की, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. तो इस तरीके से आप अगर ट्रेन में एडवांस टिकट्स आप बुक कर लीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों का पे करती है, अकॉर्डिंगली आप TADA फाइल कीजिए, आपको सारा पैसा दिया जाता है. ये आपको गाड़ी से चलने के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, और गवर्नमेंट इस चीज़ का कोई पैसा भी नहीं देती है. तो अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिएगा कि नहीं, बहुत आराम है, बहुत मज़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, आराम है, सब कुछ है, और ट्रेन से जाने में भी अपना एक अलग ही आराम होता है. बट मैं ट्रेन वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे ट्रेन की जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं बहुत रेयरली ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, फ्लाइट में भी मैं रेयरली ट्रैवल करता हूँ, बस जब मुझे टाइम सेव करना होता है. अब आप इस बोर्ड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना. तो आप मुझे एटलीस्ट बताइए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं. Want to make the most of your playlists? With Spotify Premium, you can listen to all the songs that fuel your fire. आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं मौसम कितना मजेदार है, और हमारा सफर करीब करीब 203 किलोमीटर का हो गया है, और अब हम अपने सफर पर आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे. मौसम बहुत ही मजेदार है, बट अफसोस है कि हमें अकेले जाना पड़ रहा है. तो काश हमारी मैडम होती साथ में तो और ज्यादा मजा आता, बट शी इज़ बिजी इन आर वर्क, तो दैट्स वाई हमको अकेले आना पड़ा. वरना अगर डेस्टिनेशन अच्छी होती है और उनके पास अगर वक्त होता है तो हम उन्हें हमेशा साथ लेके चलते हैं, अगर वो हमें इजाज़त दे दे तो. बट अभी उनके पास थोड़ा काम था, वो काम में बिजी थे तो उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए अब अकेले जाना पड़ रहा है. तो चले, अब हम नया एक्सप्रेस वे कनेक्ट करने
वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये वाला एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और जैसा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, ये एक्सप्रेसवे हमको थैंक यू भी बोलने वाला है। अब आप देखिएगा यहाँ के बस बोर्ड आ ही गया जिसमें ये कहने वाला है धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है। ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दिया है मैंने। तो गाइस आज का जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन था कानपुर में, जैसा कि पता लगी गया, तो ये आज पूरा हो चुका है। हम जिस पर्पज से आए थे वो पर्पजली हमें जितना ऑर्डर मिला था वो काम हमने आज का कर दिया है। एक्चुअली वही मैंने आपको पहले पूरा बताया था सिस्टम की, हमको चेन स्टैब्लिश करनी रहती है, तो वो चेन स्टैब्लिशमेंट का एक बुक था जो हमें पूरा करना था कि वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि जो सैंपल बेंगलोर से पिक किया है कभी जिस इंस्पेक्टर ने, और वो फेल हुआ है, और उसने वो बेंगलोर वाले बंदे ने वो इस कानपुर वाले बंदे से ख़रीदा है, और वो कानपुर वाले बंदे के घर कंपनी के एड्रेस पर पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, जॉइंट इंस्पेक्शन किया जाता है, वो बंदा नहीं मिलता है, और उस जगह से ये पता लगता है कि वो प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड ने बताया कि उसका फलां आधार कार्ड है, ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं। अब आधार कार्ड से वो एड्रेस मिला एक घर का जिस पर हो सकता है कि शायद वो रहता हो, और आज मैं उस घर के एड्रेस पे ही वेरीफाई करने आया था, अगर वो मिलता तो 18A सेक्शन 18A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर मैं उसको एक डिस्क्लोजर नोटिस देता कि आप 7 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट आप जमा करने हैं, मुझे आपको जमा करने हैं डिपार्टमेंट को, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी सज़ा बनती है या जो भी आपके ऊपर एक्शन बनता है वो आपके ऊपर एक एक्शन इनिशिएट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। बट एज यूजुअल होता क्या है ऐसे केसेस में, जो लोग फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, छोटे लेवल पर काम करते हैं, स्टॉक उठाते हैं, कहीं इधर उधर से बेच बाज के निकल के भाग लेते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, हम उस एड्रेस के ऊपर गए, हम और स्टेट के जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हम साथ में जाते हैं वहाँ पर, और देख के हमने वेरीफाई किया। पहला तो एड्रेस जो होता है कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, आज वो एड्रेस ढूंढने में 2.5 घंटा लग गया हमें, पूरा एरिया ढूंढा, ये चंदन नगर जो भी था चंद्रा नगर, और उसको ढूंढते ढूंढते आफत हो गई क्योंकि नंबर एकदम अजीब सा है, 132 नंबर किसी गली में है, और उसके बाद चार घर छोड़ के 132 के बाद डायरेक्ट 42 आ गया। दैट वॉज रियली हॉरिबल, 42 आ गया, और वो रोड क्रॉस करके मैं आगे निकला 52 आ गया, 52 के बाद अजीब से नंबर चल रहे हैं एकदम से, तो मुझे जो चाहिए था 115A तो वो बड़ा मुश्किल से मुझे मिला, और जैसे तैसे वो मिला एड्रेस। एड्रेस पर हम पहुंचते हैं और वहां के प्रॉपर्टी के ओनर से बात करते हैं, उनको आधार कार्ड दिखाते हैं और उनसे वेरीफाई करते हैं कि ऐसे ऐसे बंदे को आपने कभी अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की है या नहीं की है, और उन्होंने हमें वेरीफाई किया कि नहीं, इस नाम के बंदे को आज तक उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं की है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचता है, हम उस स्पॉट पर रिपोर्ट बनाते हैं कि हम यहाँ प्रॉपर्टी पर आए, ये फला फला यहाँ का प्रॉपर्टी का ओनर है, इससे हमने स्टेटमेंट लिया, उससे हमने स्टेटमेंट लिया कि मेरा नाम दे ये है, और मेरा डॉटर ऑफ दिस, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड लेडी थी, और उसने बताया कि ये मैं इस प्रॉपर्टी की मालिक इस सन इतने से हूँ, और इस प्रॉपर्टी पे इतने सालों से रह रही हूँ, और जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, और स्टिल डेट तक मैंने इस नाम के किसी बंदे को, जिसके नाम पर ये इन्वेस्टिगेशन थी, उस नाम के किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी आज तक रेंट आउट नहीं की है, ये हमने उससे अंडरटेकिंग लिया, और वहीं स्पॉट पर रिपोर्ट बनाकर अकॉर्डिंगली हमने वो सारी चीज़ें वहाँ पर वेरीफाई लिख दी कि ऐसे ऐसे हम आए और ऐसे ऐसे हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स की, उसके नंबर पर भी कॉल किया, जो नंबर जो स्टेट का जो ड्रग कंट्रोल ऑफिस है उसने वहाँ पर ड्रग लाइसेंस लेते टाइम जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमने फोन वोन किया और वो फोन नंबर बंद पाया गया। ये सारी चीज़ें जो थी वो स्पॉट रिपोर्ट पर डाली गई। स्पॉट रिपोर्ट बनाने के बाद मैंने और जो स्टेट के इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने दोनों ने मिलकर वहाँ साइन किए, साइन करके वो रिपोर्ट रेडी हो गई है और वो फाइल में डाल दिया गया है। आज का काम यहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये समाप्त करते करते हमको 6:30 बज गए और अब यहाँ से हम निकल गए हैं लखनऊ के लिए, क्योंकि कल मेरा लखनऊ में एक काम है, तो यहाँ से लखनऊ पहुँचने में करीब करीब मुझे 2.5 घंटा लगेगा, और ट्रैफिक ज़्यादा है और रोड भी थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है रोड में, एक्सप्रेसवे पे होता तो मज़ा आता। तो अभी रिपोर्ट हो गया, अब हम अपने क्या करेंगे, अब अपने ऑफिस में जाकर हम ये जिस जोनल ऑफिस से हमारे पास लेटर आया था, मेरे पास ये बेंगलोर जोनल ऑफिस से आया था, हम उनको ये लेटर लिख देंगे कि हमने ऐसे ऐसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की और ये उसकी रिपोर्ट है, अकॉर्डिंगली विल टेक आर नेसेसरी एक्शन। तो अब वो नेसेसरी एक्शन क्या है कि अब वो ट्रेस आउट नहीं कर पाए बंदे को, अब वो ये पुलिसमैन फॉर्म करेंगे,
पुलिस सर्च वारंट जारी करेगी, वो सर्च करेंगे बंदे को, जब भी वो मिलेगा उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर जो भी है फर्दर एक्शन किया जाएगा। ये इस तरीके का प्रोसेस है। और इफ इन केस अगर वो बंदा था, वो मिल जाता तो हम उसको डिस्क्लोजर दे देते, उसको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते एक हफ्ते के अंदर, वो पेपर जमा करता, पेपर वेरीफाई होते, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कोर्ट में हम केस की प्रिपरेशन करते, परमिशन के लिए पहले डालते फाइल, हमारे हेडक्वार्टर से परमिशन आती है, वो परमिशन देते, फिर हम कोर्ट में केस लॉन्च करते, उस बंदे को हम एक रिस्पोंडेंट बनाते यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फला फला, जो बंदा रहेगा उसको और जो भी रहते उसमें अक्यूज, वो रख के उसमें डाल के केस को पूरा फाइल किया जाता है और डाला जाता है। तो बहरहाल ये उस बंदे की एक्टिविटी है जिसने ये सैंपल उठाया है, या उस जोनल ऑफिस का ये काम रहेगा जिसने ये किया है, ठीक है ना। तो पर अभी बहरहाल ये काम यहाँ रुक जाता है और हम जो भी डिटेल है वहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, ये सब चलती रहती हैं। तो इस तरीके का ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन था। कल मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर का ऑडिट करने वाला हूँ। आपको पता होगा मैंने हॉस्पिटल के रिलेटेड ब्लड सेंटर के बारे में तो काफ़ी सारे ऑडिट किए हैं, और लास्ट टाइम भी मैं जब राजस्थान का एक ब्लॉग बनाया था मैंने उसमें भी एक मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर के ऑडिट के लिए ही गया था। आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ये हॉस्पिटल से रिलेटेड जो ब्लड सेंटर होते हैं या इंडिपेंडेंट ब्लड सेंटर होते हैं उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अभी तो मैं ये ऑडिट कर दूंगा, मैं इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, लेकिन हाँ मैं जिस लोगों कोशिश करूंगा कि जिस दिन मैं लखनऊ से रिटर्न वापस आऊंगा अपने गाजियाबाद, तो कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना सकूं। उसमें हम जनरल डिस्कशन करेंगे, मैं अपने वीडियोस के पुराने सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा लास्ट डे जब मेरे पास टाइम मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे टाइम लगा तो ये वीडियो मैं अपने लखनऊ से निकलने से पहले अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा अगर टाइम लगा तो। बिकॉज मैं इसका वो क्या कहते हैं वो जो होता है थंबनेल, वो शायद मैं डिज़ाइन ना कर पाऊँ, मैं वैसे भी बहुत पुअर हूँ इन चीज़ों में, मुझे बिल्कुल आता नहीं है, जैसे तैसे तोड़ मोड़ के मैं कर लेता हूँ। बट एनी हाउ द एक्चुअल मोटो इज़ टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू एंड टू प्रोवाइड यू नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विच एवर इज़ पॉसिबल बाई मी एंड विच कैन हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा चाहूँगा। दिन बहुत हैक्टिक रहा, सुबह मैं निकला था 5 बजे और अभी तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके की ज़िंदगी है। जिम छूट चुका है आज, जिम नहीं हो पाएगा, तो देखिए कल शायद टाइमली फ्री हो गए तो कल जिम किया जाएगा और लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि जिम जिस दिन नहीं हो पाता ना उस दिन मतलब बॉडी ना बड़ी लेजी फील करती है। आई रियली फील वेरी बैड व्हेनेवर आई एम नॉट एबल टू वर्क आउट एंड समथिंग लाइक दैट एंड आई हैव अ डाइट समथिंग। घर से वाइफ ने मेरे को खाना पैक कर दिया था तो मैंने यहाँ आके खाना खा लिया, अच्छा हुआ लकीली मैं खाना लेके आ गया था। इफ़ आई वॉज नॉट हैविंग एनी फूड मैं पूरे दिन भूखा रहने वाला था लिटरली। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर माई वाइफ, मुझे खाना मिला अच्छा खाने के लिए और बहुत ही अमेजिंग लस्सी भी पैक किया था, वो लस्सी भी मैं पिया तो काफ़ी अच्छा लगा उसको पी के, और थोड़ा एनर्जाइज हुआ मैं, वरना मैं लिटरली बहुत भूखा रहने वाला था। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं 2 से 3 दिन के लिए ऐसे रेगुलरली फील्ड पे बाहर रहता हूँ तो मैं अक्सर भूखा रहता हूँ और वो टाइम ना बड़ा ज़्यादा पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। बट आज ऐसा नहीं था, आज बड़ा सही था, खाना भी बहुत अच्छा था और लस्सी एकदम अमेजिंग थी, मज़ा आ गया। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप you guys learn something from the video and I hope and I wish you all the best in your life. Milte hain ek naye video mein, till then have a good day, bye bye.